जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। आज पूज्य श्री भाई जी कहते हैं शास्त्रों में भगवान नाम की महिमा। सतयुग में भक्ति भाव से सैकड़ों यज्ञों द्वारा भी श्री हरि की आराधना करके मनुष्य जिस फल को पाता है वह सारा का सारा कलयुग में भगवान गोविंद का कीर्तन मात्र करके प्राप्त कर लेता है। श्री विष्णु रहस्य से, विष्णु पुराण से, सतयुग में भगवान का ध्यान, त्रेता में यज्ञों द्वारा यजन और द्वापर में उनका पूजन करके मनुष्य जिस फल को पाता है उसे वह कलयुग में केशव का कीर्तन मात्र करके प्राप्त कर लेता है। श्रीमद् भागवत से, सतयुग में भगवान विष्णु का ध्यान करने वाले को, त्रेता में यज्ञों द्वारा यजन करने वाले को तथा द्वापर में श्री हरि की परिचर्या में तत्पर रहने वाले को जो फल मिलता है वही कलयुग में श्री हरि का कीर्तन मात्र करने से प्राप्त हो जाता है। हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव मम जीवनम कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा। श्री हरि का नाम ही नाम ही नाम ही मेरा जीवन है। कलयुग में इसके सिवा दूसरी कोई गति नहीं है, नहीं है, नहीं है। नरेश्वर, मनुष्यों में वे ही सौभाग्यशाली तथा निश्चय ही कृतार्थ हैं जो कलयुग में हरि नाम का स्वयं स्मरण करते हैं और दूसरों को भी स्मरण कराते हैं। तीखी दाढ़ वाले कलिकाल रूपी दुष्ट सर्प का भय अब दूर हो जाना चाहिए, क्योंकि गोविंद नाम के दावानल से दग्ध होकर वह शीघ्र ही राख का ढेर बन जाएगा। घोर कलयुग में जो मनुष्य हरि नाम की शरण ले चुके हैं वे ही कृतकृत्य हैं, कलयुग उन्हें बाधा नहीं देता। हरे केशव गोविंद वासुदेव जगन में इस प्रकार जो नित्य उच्चारण करते हैं उन्हें कलयुग नष्ट कष्ट नहीं देता। भगवान कहते हैं जो कलयुग में मेरा कीर्तन करते हैं वे धन्य हैं, वे कृतार्थ हैं, उन्होंने ही पुण्य कर्म किया है तथा उन्होंने ही जन्म और जीवन का पाने योग्य फल पाया है। विवश होकर भी भगवान के नाम का कीर्तन करने पर मनुष्य समस्त पातकों से उसी प्रकार मुक्त हो जाता है जैसे सिंह से डरे हुए भेड़िए अपने शिकार को छोड़कर भाग जाते हैं। मनुष्य सायं और प्रातःकाल देवादिदेव श्री हरि का कीर्तन करके संपूर्ण पापों से मुक्त हो स्वर्ग लोक में सम्मानित होता है। स्वर्ग लोक में सम्मानित होता है। जैसे अग्नि लकड़ी को जला देती है उसी प्रकार जाने अनजाने में लिया गया भगवान का नाम पुरुष की पाप राशि को भस्म कर देता है। श्री हरि के इस नाम में पाप नाश करने की जितनी शक्ति है उतना पातक पातकी मनुष्य अपने जीवन में कर ही नहीं सकता। भगवान विष्णु के नाम में पाप क्षय करने की जितनी शक्ति विद्यमान है माप तोल में उतने पाप कुकुर भोजी चांडाल भी नहीं कर सकता। श्री हरि के नाम का बारंबार कीर्तन समस्त रोगों को शांत करने वाला है, सारे उपद्रवों को नाशक और संपूर्ण अरिष्टों को की शांति करने वाला है। जिनके नाम स्मरण और नाम कीर्तन से संपूर्ण मानसिक चिंताएं और व्याधियां तत्काल नष्ट हो जाती हैं उस भगवान अनंत को मैं नमस्कार करता हूँ। जय श्री राधे। जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के